नमस्कार साथियों, किस्मत मैरिज ब्यूरो के अंदर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेरे पास मैरिज ब्यूरो के अंदर बहुत ज़्यादा पूरे दिन कॉल आती हैं और सभी कॉल्स का रिप्लाई देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति लगभग 5 से 10 मिनट जो है लेता है, अपनी सभी बातें बताता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, ताकि आप सभी को डिटेल्स में मैं वीडियो के माध्यम से बता सकूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैरिज ब्यूरो होता क्या है। मैरिज का मतलब होता है शादी और ब्यूरो का मतलब होता है जानकारी देना, यानी कि रिश्तों की जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगी। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि भाई प्रोफार्मा पर आ जाता है, यानी कि प्रोफाइल्स फिल की जाती है। इस तरह से एक प्रोफार्मा होता है हमारे मैरिज ब्यूरो का, ये देखिए इस तरह से प्रोफार्मा होता है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूँ जिसके लिए आप रिश्ता देख रहे हैं, उसका नाम, पिता का नाम, योग्यता यानी कि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है, उम्र, जाति, इनकम, हाइट, एड्रेस, जमीन विवरण और पिता का व्यवसाय यानी पिताजी क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं और कैसा लड़का या लड़की चाहिए, साथ में व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और आपके जितने भी गोत हैं, जैसे खुद का, माँ का या दादी का, जो भी होगा वो भरना है। तो ये तमाम बातें आप जो है भर के मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा साथियों कि मैरिज ब्यूरो हमेशा प्रोफाइल मैचिंग के ऊपर डिपेंड होता है। प्रोफाइल जब मैच होती है उसी के उसके बाद ही आपके पास कॉल की जाएगी, क्योंकि आप सब जो है पूरी बातें मेरे पास कॉल करने के बाद करते हैं तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। जब तक आप कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं उससे पहले लगभग 2 से 3 कॉल मेरे पास आ चुकी होती हैं। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये फॉर्म फिल करने के बाद हम कास्ट वाइज, जैसे आप रिक्वायरमेंट बताओगे मुझे ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, उसके बाद प्रोफाइल को मैच करते हैं। मैच करने के बाद हमको अगर ऐसा लगे कि भाई हाँ इनकी जोड़ी बन सकती है तो बात को आगे तक पहुँचाते हैं। दूसरी बात, टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं बता सकते हम आपको कि भाई कितना टाइम लग जाए, क्योंकि आपको पता है आज के समय में रिश्ते होना बहुत ही बड़ा मुश्किल हो चुका है और हर इंसान का सपना होता है कि मेरी शादी हो, मेरे पास बीवी हो, बच्चे हों, एक खुशहाल परिवार हो। लेकिन उसके लिए क्या कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और अब मैं बात करता हूँ फीस की। फीस होती है 200 रुपये, जो कि 1 साल के लिए वैध होती है। 1 साल के बाद अगर नहीं होता है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, संजोग की बात है, जोड़ी तो मालिक बनाएगा। और आपको पता है आज के टाइम में जो बिचौलिए वगैरह हुआ करते थे वो सब नहीं रहे हैं और आजकल की युवा पीढ़ी इन सब में इंटरेस्ट नहीं लेती है, इसीलिए सभी लोग मैरिज ब्यूरो की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, कास्ट वाइज डेली जो है कम से कम 20 से 25 प्रोफाइल्स मेरे पास लगभग आ रही हैं, जिसमें अधिकतर लड़कों की आती हैं, लड़कियों की कम आती हैं, लेकिन किसी ना किसी का मैचिंग हो जाएगा। तो 200 रुपये को ज़्यादा नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए और प्रोफाइल अपनी बनवाइए, हो सकता कहीं ना कहीं आपका भी संजोग मिल जाए। और कुछ लोग करते हैं बार बार में कॉल करते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद, जैसे 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, उसके बाद कॉल करते हैं कि सर कोई मैचिंग हुई क्या। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बार बार मेरे पास कॉल ना करें, अगर कोई मैचिंग होगी तो हम अपने आप आपको बता देंगे। तो साथियों, पूरा का पूरा सिस्टम जो है मैचिंग के ऊपर चलता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है 22 या 23 प्रोफाइल हैं लड़कियों की, जो सभी कास्ट से हैं, उनकी मैचिंग का कार्य चल रहा है, हो सकता है किसी की मैचिंग हो जाए। तो आप भी देर ना करें, जल्दी से मैचिंग के लिए अपना परफॉर्मा तैयार करवाएं। और 200 रुपये जो फीस है, आप ये सोच लीजिए कि आपने कहीं दान में दे दिए, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं और सोशल मूवमेंट में इन सब जो फीस लेते हैं, नॉर्मल फीस है जी, उसको लगाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो तो ही कॉल करें, अन्यथा ज़्यादा टाइम हमारे पास इतना नहीं होता, क्योंकि अभी कॉल बहुत ज़्यादा आ रही हैं और पहले जो फीस 300 रुपये उसको हमने घटा दिया क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। राम राम।